तो दोस्तों मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं और दीपक सर का फिर से धन्यवाद करता हूं कि दीपक सर हमें ये पूरा इन्फॉर्मेशन खुद दे रहे हैं। और इस वाली वीडियो में सर बताएंगे इस प्रोडक्ट का इकोनॉमिक्स, पेबैक, मेंटेनेंस और एक कॉन्सेप्ट है SCI। जी हाँ, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें और पूरा समझें। दोस्तों मैं मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग ये इस चैनल को देखते रहते हैं और जो भी एक ये प्लेटफॉर्म का जो मकसद था कि आप तक नॉलेज पहुंचाया जाए तो आप ले रहे हैं। तो आज मैं इस चैनल या प्रोग्राम में आपको ये बताऊंगा ये सिस्टम की इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीज़ हो तब वही स्प्रेड होती है जब उसकी इकोनॉमिक्स हो। सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी हैं या तो हेल्थ के लिए अच्छी हैं तो उसकी वजह से कोई खरीदेगा नहीं। बहुत ऐसे कम लोग हैं, ऐसे भी हैं लोग जो पर्यावरण के लिए या हेल्थ के लिए लेने को तैयार है, बट कोई भी चीज़ की हम कहते हैं फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। तो मैं आज आपको इसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि इस सिस्टम की कॉस्ट क्या होती है, उसकी इकोनॉमिक्स क्या होती हैं, उसकी पेबैक क्या होती हैं या IRR, ये सब जो टर्मिनोलॉजी आपको समझाऊंगा। जो अगर आप कहीं भी कुछ आपको बेचना है तो लोग पहले यही क्राइटेरिया पे बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि हमने आश्रम में 100 टन सोलर एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाई, तो पहले हम क्या कर रहे थे, हम पहले लकड़े से स्टीम बना रहे थे और हमारा लकड़े का कंजम्पशन 100 टन स्टीम जनरेट करने के लिए 1000 किलोग्राम पर डे था और कॉस्ट लकड़े की कॉस्ट करीब से उस टाइम 1 रुपया थी और ये पूरी सिस्टम की कॉस्ट एट दैट टाइम 1.25 करोड़ रुपीज़ हुई। और उन्होंने गवर्नमेंट MNRE ने हमें सब्सिडी दी 50 लाख रुपये की और बाकी के पैसे आश्रम को लगाने थे। तो अगर आप इकोनॉमिक्स देखेंगे तो उसका पेबैक पीरियड, क्योंकि साल में करीब 300 दिन धूप रहती है तो 300 दिन ये सिस्टम चलेगी, तो 300 दिन 1000 किलो और 1 रुपये के हिसाब से आप कॉस्ट गिनते हैं तो करीब 3000 किलो जी लकड़ा बचता है, तो 3 लाख रुपये सेविंग होती थी, तो पेबैक काफ़ी बढ़ता था। मगर फिर भी आश्रम ने डिसाइड किया कि हमें यह सिस्टम लेनी है, क्योंकि लकड़े की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लकड़े से जो पर्यावरण बिगड़ रहा था और लकड़े वजह से जो हेल्थ बढ़ती थी। तो आश्रम बींग NGO डिसाइडेड टू गो फॉर इट बिकॉज उनके लिए रिटर्न सिर्फ इकोनॉमिक रिटर्न नहीं होता है, उनको हम कहते हैं सोशल रिटर्न। तो पेबैक कम था, लंबा था, करीब 7 साल या 10 साल था, फिर भी उन्होंने ये सिस्टम खरीदी। मगर जब इंस्टीट्यूशन लेती हैं बड़ी बड़ी तो उनके लिए इकोनॉमिक्स होती हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्रह्मा कुमारी का, तो ब्रह्मा कुमारी में हमने जो सिस्टम लगाई करीब 24 डिश लगाई और उस टाइम सिस्टम की कीमत करीब थी 30 लाख रुपया और उनको हर रोज के 80 लीटर डीजल स्पेंड करने पड़ते थे, तो 300 दिन उनके 80 लीटर हिसाब से डीजल बचती थी तो उनकी पेबैक होती थी 5 साल, तो 5 साल में दे कुड रिकवर दैर इन्वेस्टमेंट, तो उसका पेबैक हो गया 5 ईयर्स। और IRR अगर आप बैंक में पैसे रखोगे तो आपको जो रिटर्न मिलती है करीब 7-8% FD में, और आपने ये इसमें लगाया तो आपको जो IRR कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो हो गया 20%। सो दैट इज पेबैक और IRR। इसी तरह सोलर क्रीमेटोरियम, अगर सोलर क्रीमेटोरियम जब बनेगा तो उसकी कीमत होगी करीब 50 लाख रुपया, तो उसकी पेबैक, क्योंकि वो हर रोज 2 या 3 लाश जला पाएंगे तो 200 या 300 किलो लकड़ा बचेंगी और अभी लकड़ा की कीमत है करीब 6 रुपये किलो, क्योंकि अभी जैसे सप्लाई कम होती गई और डिमांड बढ़ती रही है तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है। सो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो दे डू नॉट टेक कैलकुलेशन बेस्ड ओनली ऑन प्रेजेंट प्राइस, उनको भी पता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल इज़ अ बिग चैलेंज, उसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है हर साल। कभी आपने हमने सुना नहीं होगा कि कोई फ्यूल की कॉस्ट कम हुई है। बीच में गवर्नमेंट जब आई, नई गवर्नमेंट, तो उन्होंने कोशिश की कि मार्केट से लिंकेज कर ली, मगर आप देख रहे हैं अभी डीजल की कॉस्ट कितनी बढ़ी हुई है केरोसिन, क्योंकि वो वर्ल्ड से लिंकेज है और प्राइस तो बढ़ने वाली है बिकॉज ये जो अवेलेबिलिटी है, सब हमें सबको पता है कि लकड़ा है वो लिमिटेड रहेगा, ऑयल है करीब 50 साल 80 साल में ख़त्म हो जाएगा, कोयला है करीब 250 साल में ख़त्म होगा। सो देर इज़ नो अल्टरनेटिव बट टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफर्स यू दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और एक तो सेविंग जब हम गिनते हैं तो एक होती है सेविंग और इकोनॉमिक्स, पहले इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग डिवाइडेड बाई सेविंग, तो आपको मिलता है पेबैक। बट सेविंग के साथ साथ में आपको वो भी खर्चा होता है जिसको हम कहते हैं ओपेक्स, उसको कहते हैं ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर, तो वो भी होता है। सिस्टम जब लगती है तो उसको चलाने के लिए आदमी चाहिए, उसके लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा वाटर चाहिए, फिर उसको आपको मेंटेनेंस चाहिए, तो उसका भी खर्चा गिना जाता है। तो जैसे आप
मुनि सेवा आश्रम में जो 100 डिश लगी है उसको चलाने के लिए हमें 3 आदमी चाहिए, और तो उनकी पगार लगती है। और हर 5 साल हमें, जब हमने जब टेक्नोलॉजी लाई थी तभी इंडिया में आईना ऐसे मिलता था जिसमें आपको हर 5 साल आईना बदलना पड़ता है, और यह प्रॉब्लम अभी भी इंडिया में परसिस्टिंग रही है कि भाई हर 5-6 साल पर आपको आईने जो हैं उसकी रिफ्लेक्टिविटी कम हो जाती है तो बदलने पड़ते हैं। सो दैट इज़ अ कॉस्ट विच यू हैव टू कैलकुलेट, माने हर साल में आपको 2-3% कॉस्ट ग्लास के लिए रखनी पड़ती है साइड पे, ताकि 5 साल के बाद में आप आईना बदल पाए। बाकी ये सिस्टम की लाइफ बहुत ही लंबी है, 25-30 साल है, क्योंकि ये डिश दिन में सिर्फ एक ही टाइम घूमती है, तो हम लोग जो इसको कहते हैं वेयर एंड टेयर, तो उसकी वेयर एंड टेयर बहुत कम है। सो दिस इज़ अ सिस्टम, और पूरी दुनिया में जब इकोनॉमिक्स गिनी जाती हैं तो इंडिया की तरह नहीं गिनते हैं, उन लोग कहते हैं लाइफ टाइम कॉस्ट, कि ये सिस्टम की कॉस्ट है 25 साल और 7 साल में मेरे पैसे निकल जाएंगे, तो बाकी के जो 7 साल हैं मेरी कितनी सेविंग होगी, और इंडिया में हम लोग ये नहीं गिनते। तो ये अगर लाइफ टाइम कॉस्ट गिनते हैं तो ये सिस्टम बहुत ही इकोनॉमिक होती है। कॉस्ट ऑफ स्टीम जनरेशन, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेन यू टेक ओवर द लाइफ टाइम, इट इज़ वेरी वेरी गुड। सो आई थिंक वी हैव टू चेंज द वे वी थिंक अबाउट इकोनॉमिक्स। और लोग पूछते हैं कि सर ये इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सिस्टम लगी हैं, करीब इंडिया में 160 से ज़्यादा सिस्टम लगी हुई हैं, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स में, अभी मैंने कहा स्मशान लगे हुए हैं, सोलर ड्रायर बने हुए हैं, डिसेलर सिस्टम लगने वाली हैं, स्लज ड्रायर होने वाली है, तो ये पॉपुलर क्यों नहीं हो रही है? तो मेरे ख्याल से ये पॉपुलर इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसके लिए कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था जो पूरी अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में न्यूट्रल ओपिनियन दे पाएँ। MNRE करके हमारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हैं, दैट इज़ मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये कोशिश करती है। उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन मैन्युफैक्चरर हैं जो रजिस्टर्ड है, और दूसरी उसी वेबसाइट में आपको केस स्टडी मिलेंगी कहाँ कहाँ पर सिस्टम लग रही हैं, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या क्या तकलीफ भी हो रही है, कौन सी सिस्टम चालू हैं, कौन सी बंद हैं, और गवर्नमेंट की सपोर्ट, किस टाइप की सपोर्ट गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट चाहती है कि ये टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो इंडिया में, क्योंकि हमारा लाखों टन, करोड़ों रुपया हम फ्यूल को इंपोर्ट करने में करते हैं, और इसको कहते हैं हम एनर्जी सिक्योरिटी, कि गवर्नमेंट रियलाइजेस कि ये फ्यूल इंपोर्ट करने में जैसे हमारी जो इंडिपेंडेंस कम हो जाती है, बिकॉज वी समटाइम्स वी कैन नॉट टेक डिसीजंस वी वांट टू। जैसे 20 साल पहले हमें ऑयल इंपोर्ट करना था तो मिडिल ईस्ट कंट्री ने कह दिया कि आप इसराइल से रिलेशन रखेंगे तो हम आपको ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे, सो इंडिया कुड नॉट बिल्ड रिलेशन विद इसराइल बिकॉज तो उनकी ऑयल सप्लाई कम हो जाती। सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, और कॉस्ट की वजह से कम होगी और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बचेगी, एंड दिस सोलर एनर्जी इज़ फ्री, अवेलेबल इन एबंडेंस एवरीवेयर। सिर्फ इंडिया में 10-15% जो जगह होगी जहाँ पे सोलर रेडिएशन कम होगा, जैसे ईस्ट इंडिया है वहाँ पे थोड़ा रेडिएशन कम है, बट इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद सन। इसीलिए अगर आप सोचें कि हम कभी गुड मॉर्निंग नहीं कहते हैं, गुड आफ्टरनून नहीं कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हम इतने नसीबदार है कि हमारे यहाँ पे 300 दिन धूप होती है, हमें पता है कि 300 दिन धूप आने ही वाली है। ये तो यूरोप में जहाँ हमें पता ही नहीं आज धूप होगा कि नहीं, तो वो विश करते हैं गुड मॉर्निंग, आज अच्छा दिन निकले, धूप निकले, ताकि वो बाहर पे जाके बीच पे बैठ सके। इंडिया में तो वी आर ब्लेस्ड, दैट्स व्हाई वी आर टेकन सम फॉर ग्रांटेड, बट दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ब्लेस्ड एंड वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ दिस ब्लेसिंग। तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया में एक मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ने बना के रखी है ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, और उसका नाम है MNRE, दैट इज़ मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। ये दिल्ली में है, सेंट्रल एजेंसी है, और हर स्टेट में गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बना के रखी है जो स्टेट में उसको प्रमोट करे, उसको कहते हैं SNA, स्टेट नोडल एजेंसी। तो ये गवर्नमेंट की सब्सिडी सेंट्रल से स्टेट को मिलती है और स्टेट के द्वारा आपको मिलती है, मगर आप डायरेक्टली भी MNRE से ले सकते हैं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इंडिया एक पहला देश था जिन्होंने करीब 20 साल पहले ये मिनिस्ट्री बना के रखी है, और मेरे ख्याल से अभी भी इंडिया इज़ परहेज वन ऑफ द फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ अ डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो गवर्नमेंट क्या सपोर्ट दे रही है? तो सोलर कॉन्सेंट्रेटर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी ऑफ 5,400 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर ऑन सिंगल एक्सिस डिश। जैसे शेफलर डे है वो सिंगल एक्सिस ऑटोमेटिक है, और सेकेंड एक्सिस जो टकिंग है उसके लिए मैन्यूअल करते हैं, थे या करते हैं ज़्यादातर लोग। अगर आप उसको दोनों तरफ से की ट्रैकिंग ऑटोमेटिक कर लेंगे तो उस पर सब्सिडी हो जाती है 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो सिंगल एक्सिस शेफलर पे 5,400 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, और ड्यूल एक्सिस ट्रैकिंग पे 6,000, और जो मैंने आपके दूसरी टेक्नोलॉजी बताई 90 स्क्वायर मीटर की, 160 स्क्वायर मीटर की, उन पे भी 6,000 है।
और दूसरी टेक्नोलॉजी होती है उसको हम कहते हैं ट्रफ कॉन्सेंट्रेटर, जो पाइप को आप आधा काट के वो कर लेते हैं उसको लाइन फोकस होता है, तो उसकी भी सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग होती है, तो उन पर भी सब्सिडी है 5,400 स्क्वायर मीटर। और एमएनआरई के साथ साथ में कुछ साल पहले यूएनडीपी और यूनिडो करके एजेंसी है, यूनिडो इज यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने और भी थोड़ी सब्सिडी ऐड की हुई है। अगर आप एयर कंडीशन के लिए उसको यूज़ करेंगे तो 10% ज़्यादा मिलती हैं। अगर आप एस्को मॉडल में, माने बहुत सी कंपनी कहती है कि आपके पास में पैसे नहीं है तो हम आगे आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम लोग एनर्जी जो आप बचेगी उसको हम शेयर करेंगे, मैं इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे भी मेरे रिटर्न मिलनी चाहिए और आपको आपकी जो एनर्जी बच रही है तो दोनों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कुछ बहुत तरह के अलग अलग मॉडल आ रहे हैं और गवर्नमेंट ये प्रमोट कर रही है। और यूनिडो की तरफ से आपको लोन भी मिलती है, क्योंकि एज ए इंडस्ट्री अगर आप चाहते हैं कि सोलर एनर्जी यूज़ करें तो आप 25% अपने लगाओ और 75% भी आपको लोन मिलती है, और ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी कहते हैं उसको, विच इज़ 5% लेस देन द मार्केट रेट, जो पैसे के मार्केट, अगर हम 12% से हमें बैंक लोन दे रही हैं तो आपको इरेडा है जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा आपको 7% के इंटरेस्ट पे लोन मिलेगी। और जो सब्सिडी है वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में मिलती है, तो ये सब्सिडी के अमाउंट पर भी वो ब्रिज लोन देते हैं। तो गवर्नमेंट की काफ़ी कोशिश है कि ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में स्प्रेड हो, यूएनडीपी यूनिडो वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी हमारी फ़र्ज बनती है कि ये आगे बढ़े। और ग्लोबल लेवल पर इसको प्रमोट करने के लिए एक एनजीओ है अमेरिका में, सैक्रामेंटो में वो स्थित है, उसका नाम है SCI, जिसको कहते हैं सोलार कुकर इंटरनेशनल। और ये एनजीओ है वो टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, उनका काम है सिर्फ नॉलेज स्प्रेड करना, जस्ट लाइक सोलार इज़ माई पैशन, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, वो किसी कोई टेक्नोलॉजी को प्रमोट नहीं कर रहा है, ना कोई कंपनी को प्रमोट कर रहा है, इसी तरह ये टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने 2 साल पहले हमारे आश्रम में SCI के लिए इंटरनेशनल ग्लोबल मीटिंग की थी, जहाँ पे 28 देश से लोग आए हुए थे, करीब 250 पार्टिसिपेंट थे, तो दैट शोज दैट देर इज़ इंटरेस्ट, देर इज थर्स्ट, ओनली प्रॉब्लम इज दैट आर नॉट इन प्लेटफॉर्म। तो यू कैन गो ऑन द वेबसाइट ऑफ SCI, मैं सोलर कुकर इंटरनेशनल का ग्लोबल एडवाइज़र हूँ, अजय चंदक जिनको आपने सुना वो भी SCI के ग्लोबल एडवाइज़र है, और इसी तरह जनक दीदी या जनक भाभी वो भी SCI के हैं। तो बहुत से लोग एक मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, और हमारा आपसे इन्विटेशन है कि आप भी इसमें जुड़े, बिकॉज जो कहते हैं मोर द मैरियर, इफ़ वी कम टूगेदर वी कैन बिकम अ फोर्स, सो प्लीज़ ज्वाइन दिस मूवमेंट, स्प्रेड दिस नॉलेज, लर्न फ्रॉम एवरी वन पॉसिबल, एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, देयर इज अ ग्रेट फ्यूचर। आई ऑलवेज से द फ्यूचर ऑफ सोलर इज एज ब्राइट एज द सन। दोस्तों, आप पूछेंगे कि अब मैं कहाँ पे हूँ और क्या करता हूँ, तो जैसे मैंने बताया कि मैं जर्मनी से करीब 1985 में लौटा, आकर हमने पहले NGO शुरू की, उसके बाद में जब ये टेक्नोलॉजी हमने बनानी शुरू की तो हमने एक सोशल एंटरप्राइज की, जहाँ पे NGO को फाइनेंस करने की हमने एक कंपनी बनाई जिनके द्वारा हम ये टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाए, मैन्युफैक्चर किया, प्रमोट किया। और करीब 8 साल पहले मैंने अपनी कंपनी बेच दी, और अभी मैं एक मुनि सेवा आश्रम में स्थित हूँ। आपको ताज्जुब भी होगी कि भाई आश्रम में क्यों, पहले तो ये गलतफहमी ना हो, ये आश्रम में ना कोई गुरु है ना कोई भगवान की बातें होती हैं, ये आश्रम का नाम है मुनि सेवा आश्रम। और ये आश्रम 1978 में एक बहन थी जो 50 रुपया लेकर एक गोरज करके गांव में जहाँ पे आई थी, और उन्होंने गांव में सेवा करने के लिए अपने मुनि महाराज जो उनके गुरु थे उनसे प्रेरणा लेकर ये आश्रम शुरू किया था, जहाँ पे अब सोशल केयर पे काम हो रहा है, यहाँ पे ओल्ड एज होम है, ऑर्फनेज है, होम फॉर डिफरेंटली चैलेंज वुमन है, फिर 2 हॉस्पिटल्स है, और जो हमारे कैंसर हॉस्पिटल है वो वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल है, पूरे गुजरात में फॉर द फर्स्ट टाइम साइक्लोट्रॉन की मशीन लगी हुई है, पूरे दुनिया में ये एक्यूरेसी के लिए जो स्टडी होती है, तो रेडिएशन डिपार्टमेंट में पूरी दुनिया में हमारी रैंकिंग 5 नंबर की, इंडिया के फर्स्ट हुई और पूरी दुनिया में हम 5वें नंबर पर आए, तो इस टाइप की यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। हमारी रेसिडेंशियल स्कूल है, हमारी स्कूल ऑफ नर्सिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, सो इट्स ए इंटीग्रेटेड अप्रोच। और आश्रम आप लोगों के लिए इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आश्रम में हम उसको कहते हैं ग्रीन आश्रम, तभी उसकी वेबसाइट भी www.greenashram.org है। यहाँ पे बहुत ही रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे 32,000 लीटर्स पर डे, 32,000 लीटर पर
दिन में सोलर पानी जो है सोलर कलेक्टर से गर्म किया जाता है, एक टन पर डे ड्राइंग का, एग्रीकल्चर ड्राइंग के लिए जो ड्रायर लगा हुआ है, जो हमने पहले मैंने कहा कि डायरेक्ट कुकिंग सिस्टम, तो एक स्कूल है वहाँ पे 200 बच्चों के लिए खाना जो है शेफलर से, दो शेफलर डिश से खाना पक रहा है। इसी तरह 16 स्टीम कुकिंग सिस्टम है जहाँ पे हम पहले 500 का खाना पका रहे थे, वही स्टीम सिस्टम को अभी हमने थर्मिक फूड सिस्टम की हुई है। अभी दूसरी एक डबल एक्सिस 50 स्क्वायर मीटर की डिश लगी हुई है, 100 डिश लगी हुई है 12.5 स्क्वायर मीटर शेफलर की, जहाँ पर हम एयर कंडीशनिंग करते हैं। यहाँ पर जैसे कहा कि सोलर क्रीमेटर बन रहा है 50 स्क्वायर मीटर का, साथ साथ में बायोगैस एनर्जी पे हैं, बायोमास गैसीफायर पे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इट हैज़ बिकम अ मेक्का फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमारे यहाँ पे हर साल 10-20 हज़ार स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे मास्टर्स करते हैं, PhD करते हैं। और हमने आश्रम में एक कंपनी बनाई है जिसको हम कहते हैं MSA रिन्यूटेक फाउंडेशन, और ये जो कंपनी है उसकी प्रॉफिट आश्रम को जाती है, ताकि इसमें कोई बिजनेस नहीं है, बट इसको कहते हैं सोशल एंटरप्राइज, कि पैसे बुरे नहीं हैं, पैसे किस तरह से कमाते हो और उसका कहाँ पर उपयोग करता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यह सोशल एंटरप्राइज है, और यहाँ पे हम नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे रहें और सीखें, और पूरे देश में और पूरी दुनिया में ये जो नॉलेज यहाँ पे एक्वायर करेंगे, एक्सपीरियंस करें, वो उसको इम्प्लाई करें, बिकॉज अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजी की पूरे देश में नहीं दुनिया में ज़रूरत है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर एंटरप्रेन्योर्स, टेक्नीशियंस, यंगस्टर्स, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर सबके लिए। तो आप कहेंगे भाई इसका विजन क्या है, तो मैं बता रहा था कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जब पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ फॉर रूरल इंडिया के बारे में कहना शुरू किया, तो जब USA में थे तो वो बता रहे थे उनका एक सपना है कि भाई गांव पूरा इंडिपेंडेंट हो, अपना पावर खुद प्रोड्यूस करे, अपनी पानी खुद प्रोड्यूस करे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, वहाँ पे एजुकेशन हो, वहाँ पे एंटरटेनमेंट हो। तो किसी ने कहा कि सर आप मुनिसे आश्रम क्यों नहीं जाते हो, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे आश्रम पे आए, वो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात थी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसी बड़ी महानुभूति हमारे यहाँ पे आई, और आश्रम में देख के वो बड़े खुश हुए और कहा कि भैया आपने मेरा सपना पूरा किया है, मैं जो चाहता था या जो कह रहा हूँ पूरा का आपने इम्प्लीमेंट किया है। मगर उन्होंने यह भी कहा कि ये आश्रम के लिए जो पॉसिबल था आपके लिए, वो हर गाँव में पॉसिबल नहीं है। भारत में करीब 6.5 लाख गाँव हैं, और हर गांव में इस टाइप की टेक्नोलॉजी लाना पॉसिबल नहीं, बिकॉज आपको तो डोनेशन मिल जाता है, मगर हर गांव में ये पैसे कैसे आएगा। तो उन्होंने कहा कि भैया आप क्यों इसको बिजनेस नहीं बनाते हो, आई डोंट यू क्रिएट ए बिजनेस मॉडल। तो अभी हम आश्रम में करीब 1.2 मेगावाट का बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं, और एक 1 मेगावाट का सोलर का थर्मल का पावर प्लांट लगाने की कोई सोच रहे हैं। तो इसमें हम कर रहे हैं उसको कहते हैं बूट मॉडल पे, जिस तरह बड़े बड़े शहरों में गवर्नमेंट को जब एयरपोर्ट लगाना हो या हाईवे बनाने हो तो वो प्राइवेट पार्टी को बूट पे देती है, दैट इज बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। यही मॉडल को हम विलेज में लेने जाना चाहते हैं, उसको कहते हैं पे एज यू यूज़। तो गांव वाले को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई इंडस्ट्री आके उसको इन्वेस्टमेंट करेगी और वो गांव को पावर सप्लाई करेगी, पानी सप्लाई करेगी, फर्टिलाइजर सप्लाई करेगी, और 7-10 साल में जो उनके पैसे मिल जाएंगे, उनके जो प्रॉफिट उन्होंने चाहा हुआ है वो मिल जाएगी, उसके बाद में वो प्लांट गाँव वाले को हैंड ओवर कर देंगे। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं सोलार एनर्जी और बिजनेस मॉडल को कंबाइन करने की, बिकॉज हम कहते हैं कि पैसे बुरे नहीं हैं, पैसे वारे बुरे नहीं हैं, कभी कभी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो आप सब भी ये सोचिए कि हमें भी अपने पैर पे रहना है, हमें भी कुछ करना है देश के लिए, अपने लिए। हम नहीं चाहते हैं कि सब अपनी लाइफ छोड़ कहीं आश्रम में चले जाए, आपको आपका घर चलाना है, शादी करनी है, बच्चे बड़े को पढ़ाना है। सो यू कैन कंटिन्यू टू डू व्हाट यू आर, बी एथिकल, बी ऑनेस्ट, बी हार्ड वर्किंग, एंड स्पेंड पार्ट ऑफ द मनी अगेन फॉर द सोसाइटी, बिकॉज अल्टीमेटली वॉट एवर यू आर बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। और जाने से पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे आके कहा कि हम तो आए थे इंडिया में मदद करने के लिए गाँवों में गरीबों को, और हमारे जो सिस्टम लग रही हैं बड़ी बड़ी संस्था में लग रही है, आर्मी में लग रही हैं, जेलों में लग रही है, तो मेरी तो जो गाँव की जो बहनें थी वो अभी भी लकड़ा लेके खाना पकाती है, तो फ़ायदा क्या हुआ हमारा आने का। ये सही बात है कि हम करीब 30 साल हमने इसमें काम किया, फिर भी बहुत गांव तक नहीं पहुंच पाए। तो हमने सोचा हम क्या करें ताकि ये जो हमारी मेहनत थी, हमारा जो सपना था, वो गांव तक ले जाए। और तभी हमने कुछ 10-12 साल पहले की बात है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के बारे में सुना। आपको पता होगा मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं या थे,
और उन्होंने एक कंसेप्ट की हुई थी, उसको कहते हैं माइक्रो फाइनेंस। उनकी उन्होंने एक बैंक डेवलप की थी जिसको कहते हैं ग्रामीण बैंक, जहाँ पे वो जो लोग गरीब लोग जो बैंकेबल नहीं है उनको वो लोन देते थे। और उनका एक्सपीरियंस था कि गरीब लोग ऑनेस्ट होते हैं, मलैया और नीरव मोदी देश छोड़ के चले जाएंगे मगर गाँव वाले तो वहीं पर रहेंगे, तो वो पैसे वापस देते हैं। आपको बड़ी खुशी होगी कि गाँव में जो लोन दी जाती थी उसमें से 99% पैसा वापस आता था। बैंक में आपने सुना होगा अभी सब जगह पे NDA NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बातें हो रही है, तो ये बहुत कम होती गांव में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी गांव वाले को कुकर लोन पे दें, ज़ीरो इंटरेस्ट लेंगे और इंस्टॉलमेंट में दें। अगर एक अमीर आदमी गाड़ी या बंगला या टीवी अगर इंस्टॉलमेंट में ले सकता है तो गरीब क्यों नहीं। तो जब हम गाँव में गए और उनको कहा कि भैया आप सोलर कुकर चाहते थे, आपको तब ले नहीं पाए, हम आपको अब देंगे, आपको हर महीने करीब 200 रुपये देने हैं सिर्फ। और हमें बड़ी ताज्जुबी हुई जब लोगों ने कहा सर हमें कुकर नहीं चाहिए, तो हमने कहा क्यों, आप तो तब तो मांग रहे थे, तो उसमें बुरा क्या आपको इंस्टॉलमेंट देना। तो उन्होंने हमें समझाया कि सर हमें लकड़ा मिल रहा है फ्री, अभी जो चीज़ हमारे लिए फ्री है तो हम उसको पैसे क्यों दें, क्योंकि हमारे पास में पैसे वैसे भी कम है। अगर हमारे पास में पैसे होगा तो हम साइकिल लेंगे, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लेंगे या टीवी लेंगे या साइकिल लेंगे, कुकर की क्या ज़रूरत है। तो हमने उनको कोशिश की समझाने की भैया आपके 3-4 घंटे रोज वेस्ट होते हैं, आपकी वाइफ आपके बच्चे जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं। तो उन्होंने कहा सर हमारे पास में बहुत टाइम है। हमने कहा आपकी वाइफ को कितनी तकलीफ होती होगी, देखो ये लकड़ा लेके आती है। तो बोलते हैं मेरी वाइफ है, आपको क्या फिक्र है, हमारे लिए मैं गाँव में वजन लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए 10 किलो की बैग होती है तो बहुत भारी लगती है, मगर गाँव वालों के लिए 20-30 किलो ऐसे पानी के बर्तन लेके जाती है। तो हमें पता चला कि जो हम प्रॉब्लम समझते हैं वो उनका प्रॉब्लम नहीं था, उनका प्रॉब्लम था अफोर्डेबिलिटी। तो हमने एक नया मॉडल डेवलप किया और हमने ये सोलर कुकर को रीपोजिशन किया। हमने कहा ये सोलर कुकर नहीं है, ये इनकम जनरेशन टूल है। ये सोलर आइटम जो डिश है उससे आप गाठिया जलेबी पकौड़ा सब बना पाएंगे। और स्लोगन था यू पे फ्रॉम योर प्रॉफिट नॉट फ्रॉम योर पॉकेट, माने आपको कमा के पैसे देने हैं, आपको अपने पैसे नहीं देने हैं। तो बहुत लोग तैयार हो गए क्योंकि पैसे किसको नहीं चाहिए, पैसे का भी एक खुद पावर है। तो तिरुपति के पास में एक गांव है जहां पे हमने एक पूरी विलेज में 23 सोलर कुकर दिए और 26 सोलर कुकर दिए और 23 बायोगैस, जहां पे ये गांव में लोग सोलर कुकर और बायोगैस से इनकम जनरेशन करते हैं, उसको कहते हैं लाइवलीहुड। और ये प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल रहा कि काफ़ी गाँव में स्प्रेड हुआ। तो टेक्नोलॉजी अगर हमें लास्ट माइल तक पहुँचानी है तो हमें काफ़ी इनोवेटिव रहना होगा, कुछ अलग तरह से सोचना होगा जिसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना होगा, लोकल NGOs उनको इन्वॉल्व करना होगा। ये सिर्फ इंडस्ट्री का काम नहीं है या तो सिर्फ एकेडमिक का काम नहीं है। हमारे देश में जो हो रहा है कि हम सब आइसोलेशन में काम करते हैं, इंडस्ट्री वाले यूनिवर्सिटी से काम नहीं करते, यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज से काम नहीं करते, गवर्नमेंट NGO से काम नहीं करती हैं और सब अलग अलग अपनी कोशिश करते हैं। अगर ये सब साथ में जुड़ जाए तो वी कैन बिकम अ वेरी पावरफुल फोर्स। सो ऑलवेज बी इंटरडिसिप्लिनरी, always think try to work together as a teamwork and there is a great future. But ye sab karne ke liye ek cheez zaruri hoti hai, passion. Professionalism ek alag cheez hai, passion ek aisi cheez hai jahan pe hum din raat kaam kar sakte hain, usme hamare return ke bare mein sochte hain, because it gives you happiness, it gives you fulfillment and it gives you a drive. To ye jo solar passion ka jo channel hai, mujhe bahut naam bahut hi acha laga. लोग पूछते हैं कि भाई आप हर दिन दूसरे दिन इतने घूमते रहते हैं पूरी दुनिया में, क्या आपको एनर्जी कहाँ पे मिलती है? ये मुझे एनर्जी मेरे पैशन से मिलती है। तो ये जो सोलर पैशन है एक एकदम बढ़िया चैनल है, इट इज़ अबाउट पैशन। आप सुनेंगे कि जो जो भी लोग आए हुए हैं इस चैनलों में वो काफ़ी पैशनेट थे, उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम किया, पैशन के लिए काम किया है। तो सोलर पैशन, ऑल द बेस्ट टू यू, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। स्प्रेड फास्ट स्प्रेड फार। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, अब हम आए हैं मुनि सेवा आश्रम के कैंटीन में, जहाँ पे सर ने बताया था कि ऑलमोस्ट 1000 लोगों का खाना बनता है। हम सीधा यहाँ के कैंटीन इंचार्ज मुरली जी से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस टीम का कैसे उपयोग करते हैं। तो मुरली मैडम, पहले हमको बताएंगे कि ये कितने लोगों के लिए खाना बनता है यहाँ पे? यहाँ पे एक दिन में 1000 लोगों का खाना बनता है। एक टाइम का खाना बनता है या दो टाइम? दो टाइम का। तो और सुबह क्या क्या बनता है खाने में? रोटी चावल सब्जी कढ़ी सब कचुम्बर। और सोलर के पोर्शन से क्या बन रहा है? सोलर में से बनता है चावल और सब्जी और दूध गर्म होता है, इसमें चावल बनता है।
इसमें डायरेक्टली स्टीम इस्तेमाल होता है इसलिए इसका वेसल ऐसा हाँ, इसमें 25 किलो का बनता है। ओके, और कितना मिनट में बनता है? 25 मिनट में बन जाता है, मतलब कि आपको आधे घंटे के अंदर चावल बन गया। हाँ, फिर ये यहाँ पे ये है सब्जी का, जो सब्जी हम काट के इसमें उबाल देते हैं, सब्जी का सब जो कच्ची सब्जी है इसमें डाल दिया। हाँ, पानी डाल दिया, मसाला डाल दिया? मसाला नहीं, और उसका अलग से होता है। ओके, इसमें डायरेक्ट हम उबालते हैं, फिर बाद में हम उसमें तेल से बनाते हैं। ओके, इसमें अंदाजन कितना टाइम लगता है आपको सब्जी बनाने में? जो जैसी सब्जी है वही 10-15 मिनट, 20 मिनट। हाँ, और अगर कटहल वटहल रहेगा जिसमें? हाँ, वो तो 30 मिनट लगता है, कटहल जो होता है इसमें 30 मिनट लगता है। और चने और काबुली चने वो भी बनते हैं? हाँ, सब बनता है। कितना अंदाजन टाइम लगता होगा? वो भी 30 मिनट में हो जाता है। हाँ, और ये वाला वेसल कुछ अलग से दिख रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये है दूध का बना है, दूध का। हाँ, तो दूध में तो इन दोनों वेसल्स में तो डायरेक्टली आप स्टीम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें ये कुछ वेसल ही अलग है? अलग है। इसमें ये जो ऐसा आप देख रहे हैं, ये जो है आउटर, ये जैकेट है, ये जैकेट है। तो जो हीट आ रहा है वो आउटर जैकेट में आ रहा है। हाँ, दूध आपका अंदर रहेगा, दूध अंदर रहेगा, गर्मी बाहर है और दूध अंदर है। हाँ, तो अंदर आपका दूध गर्म हो जाता है। हाँ, अंदाजन इसमें कितना टाइम लगता है? 20 मिनट ज्यादा। हाँ, 20 मिनट अगर कुछ भी आप डालो इसमें 20-25 मिनट में। हाँ, अच्छा, इसमें एट ए टाइम आप कितना दूध गर्म कर सकते हैं? 20-30 लीटर का, 20 से लेकर 30 लीटर दूध आप गर्म कर सकते हो 20-25 मिनट। हाँ, अच्छा, एक और ये सिस्टम देख रहा हूँ, ये क्या है? ये है ना इडली का है, डायरेक्ट जो स्टीम का होता है। हाँ, इडली बनाने के लिए तो आप डायरेक्टली? हाँ, अच्छा, इडली और खमण जो बनते है ना इसमें बनते है खमण इडली। ओके, तो आप सीधा सीधा आप डालिए और इसके अंदर रख दीजिए। और ये कितने मिनट में इडली बना के दे रहा है? 20 मिनट होगा कम से कम। तो ये वाला जो सिस्टम है इसमें एट ए टाइम कितने इडली बना सकते हैं? 90 20 मिनट में 90 बन जाए। और ये कुछ और भी देख रहा हूँ, ये क्या है? ये चाय है। हाँ, इसमें चाय और जो फीका बनता है ना पेशेंट के लिए। अच्छा, डायबिटीज है को कुछ ऐसा पेशेंट हो तो इसमें बनता है। ओके, ये भी थोड़ा पैकेटेड है ना? इसमें भी आउटर पोर्शन में स्टीम है और इनर पोर्शन में आपका फूड है। हाँ, हाँ? मैम, आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने हमें कैंटीन दिखाया, इसमें सोलर का कैसे सही इस्तेमाल हो रहा है आपने बताया। थैंक यू, धन्यवाद।